And earlier in the day, the newly formed Citizen Action Party also held a dharna at the premises of Gangtok District Court. While well, speaking to North East Live Party Chief Coordinator Ganesh Rai alleged that Chief Minister Prem Singh Tamang of misguiding the people. Well, Rai further said that Sikkim Chief Minister is giving irresponsible statements regarding the issue. मुख्यमंत्री का जो बयान आया हुआ है कल ये तो गैर जिम्मेवारी पूर्वक उनका बयान है रेस्पॉन्सिबल उनका स्टेटमेंट है बींग हेड ऑफ स्टेट उनका ऐसा स्टेटमेंट नहीं आना चाहिए और तो और वो एक सिक्किम होके ऐसा स्टेटमेंट हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते थे क्योंकि वो इजी तरह से बोल रहे हैं हम रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे रिव्यू पिटिशन में हो जाएगा लेकिन ये ये जो मुद्दा है आर्टिकल 14 के अंतर्गत है हमें सिक्किम के स्पेशल प्रोविजंस के अंदर में हम भारत में मिले हुए हैं तो आर्टिकल टू आ, के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल टू के अंतर्गत किसी भी एक आ, स्टेट को नया क्रिएट भी कर सकते या मर्ज भी कर सकते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें उसमें जो भी प्रावधान उसमें प्रोविजन आ जाएगा वो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कि, किसी भी एक क्लास का वायलिटिव है तो वो स्टेट नहीं बन पाएगा स्टेट नहीं बन पाएगा सो so, जो भी हमें थ्री सेवेंटी वन एफ के अंतर्गत हम इंडिया में मर्ज हो गए हैं तो उसमें हमारा पूरा हमारा हमारा स्पेशल राइट्स का डिफाइन किया हुआ है तो क्लॉज के अंतर्गत जो थ्री वन एफ है वो एक नॉन एक्सटैंसिव क्लॉज है तो इसके अंतर्गत हम आर्टिकल फोर्टीन के अंतर्गत नहीं आ सकते क्योंकि हमारे स्पेशल प्रोविजन से। तो जो ये एग्जिपन उनको मिला है ये आर्टिकल फोर्टीन के अंतर्गत मिला हुआ है तो ये तो आर्टिकल फोर्टीन के अंतर्गत मिला है। उसका थ्री एफ का वॉयलेशन है तो इसके ऊपर हमारा आपत्ति है क्योंकि ये होल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट में हमारा सिक्किम गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंट नहीं किया एडवोकेट जनरल इसमें बातें कुछ भी नहीं रखा इसीलिए आर्टिकल फोर्टीन के अंतर्गत हम सिक्किम का जितना भी सिक्किम सिक्किम सब्जेक्ट वाले या बिना सिक्किम सब्जेक्ट वाले एक ही इक्वल हो गए इन इन द आईज ऑफ लॉ इसमें हमारा आपत्ति है इसमें मुख्यमंत्री कुछ भी बातें नहीं रहे